गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 2.2, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑन पेज नंबर 33, सो ओपन पेज नंबर 33 आफ्टर द सक्सेस एट विलास। आफ्टर द सक्सेस एट विलास वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू। उन्होंने जो टर्टल को प्रोटेक्शन देने का प्रोजेक्ट चलाया था, एक परियोजना चलाई थी, वो विलास में सक्सेसफुल रही, तो उन्होंने ठाना कि हम यही जो प्रोजेक्ट है वो हम और भी अदर प्लेसेस में चलाएंगे, जिस प्लेसेस में ये जो सी टर्टल्स पाए जाते हैं, समुद्र किनारे का जो एरिया है, जो कोस्ट लाइन एरिया है, जितना भी महाराष्ट्र में जो एरिया है कोस्ट लाइन का, वहाँ पर हम यही सेम प्रोजेक्ट चलाएंगे। Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra were surveyed। और 5 सालों में उस टीम ने पूरे महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन का सर्वे किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर द टर्टल नेस्ट वेयर फाउंड। और यह प्रोटेक्शन जो एक प्रोजेक्ट चला रहे थे प्रोटेक्शन देने का, तो यह 80 विलेजेस में इम्प्लीमेंटेड किया गया, वेयर द टर्टल नेस्ट वेयर फाउंड। और ऐसे 80 ऐसे विलेजेस थे, 80 ऐसे विलेजेस थे कि जहाँ पर टर्टल नेस्ट पाए जाते। टर्टल्स तो काफ़ी सारे गांव में पाए जाते होंगे, लेकिन जो टर्टल के जो नेस्ट है उस नेस्ट को ही इन्हें प्रोटेक्शन देना था। तो वह ऐसे 80 विलेजेस थे कि जहाँ पर टर्टल के नेस्ट पाए जाते हैं, ऐसे 80 विलेजेस को प्रोटेक्शन ऑफर किया गया, वहाँ प्रोटेक्शन दिया गया। आर स्ट्रैटेजी वाज टू एंगेज दोज हु हैड सो फार बीन इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द एग्स। स्टील चोरना, स्टीलिंग द एग्स। हमारे काम करने का तरीका ऐसा था कि हमने ठान लिया कि कुछ पीपल्स क्या करते थे कि नेस्ट में से जो टर्टल्स के एग्स थे वो निकाल लेते, या तो उसे खा लेते या तो मार्केट में बेच देते। तो ऐसे ही जो लोग टर्टल्स की चोरी करते, तो ऐसे चोरी करने वाले लोगों को ही टर्टल के नेस्ट को प्रोटेक्शन देने के काम में उन्होंने लगा दिया। इस तरीके से उन्होंने काम किया कि जो लोग टर्टल्स के एग्स चोर रहे हैं, जो चोरी करते हैं, उन्हीं को ही प्रोटेक्शन देने के काम में लगा दो। देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। उनको उन्हीं जो एक्स को चोरने का काम करते थे उन्हीं को ही उन्होंने ट्रेनिंग दी कि टर्टल्स के नेस्ट को किस तरह बचाया जाता है, किस तरह उसका ख्याल रखा जाता है, और उन्हीं को ही उस प्रोटेक्शन के काम में लगा दिया। अब चोरों को ही उसके प्रोटेक्शन के एक्स के प्रोटेक्शन में काम में लगा दिया गया, तो जाहिर है कि चोरी तो अब होने वाली ही नहीं थी। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स। कासो मित्र, मराठी में लिखा हुआ कासो मित्र, टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कैंपेन। अब उन्होंने एक अवार्ड जाहिर किया, टर्टल फ्रेंड अवार्ड और कासो मित्र का अवार्ड, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोटेक्शन के काम में, इस कैंपेन के काम में, प्रोटेक्शन का जो काम कैंपेन था, जो कार्यक्रम था, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सहभाग दिखाए और अच्छा काम करें, और अच्छा काम करने वाले को अवार्ड दिया जाएगा कासो मित्र का, या फिर टर्टल फ्रेंड अवार्ड, ताकि लोग यह अवार्ड पाने के लिए टर्टल्स के नेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे, इसलिए यह अवार्ड जाहिर किया गया।
अ कॉम्प्रेहेंसिव बुकलेट एंड शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वॉज प्रिपेयर टू स्प्रेड द मैसेज। और टर्टल के बारे में एक अच्छी बुक्स लिखी गई जिसमें टर्टल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, और अ शॉर्ट फिल्म, और उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई ताकि इस सी टर्टल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। और इस बुक्स को और बुक्स प्लस उस फिल्म के माध्यम से यह जो सी टर्टल्स को जो प्रोटेक्शन देना है इसका मैसेज सभी को इजीली जा सके, इसलिए यह काम किया गया। उनके ऊपर किताबें लिखी गई तथा उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई। द ईयर 2006 सॉ द बिगिनिंग ऑफ नॉवेल कंसेप्ट, नोवल कंसेप्ट यानी नया कंसेप्ट, नई परिसंकल्पना, नई संकल्पना। द ईयर 2006 सॉ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सॉरी अ नॉवेल कंसेप्ट, दैट मीन्स न्यू कंसेप्ट, टर्टल फेस्टिवल और कासो महोत्सव। एक नया कंसेप्ट लाया गया कि अभी तक जो नहीं था, जो इस ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, अब एक नया कंसेप्ट लाया गया, टर्टल फेस्टिवल और कासो महोत्सव। एक हम अब इंडिया में तरह तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं एनिमल्स के, इसमें जैसे हम अभी अभी हाल ही में गया हुआ है पोला, है ना, तो हम एनिमल्स के लिए वो फेस्टिवल मनाते हैं, तो वैसा ही अब टर्टल्स के लिए एक नया फेस्टिवल मनाने का उन्होंने ठाना और 2006 में उसकी घोषणा कर दी कि यहाँ पर एक नया कार्यक्रम मनाया जाएगा, टर्टल फेस्टिवल और कासो महोत्सव, एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ द हैचलिंग रशिंग आउट टू द सी। और यह उस वक्त मनाया जाएगा यह फेस्टिवल कि तब कि जब जो जो टर्टल्स के एग्स अपने 45 to 50 days पूरे कर लेंगे और उसके बाद में वो हैचलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, दैट मीन्स उस अंडों के अंदर से वह टर्टल्स के जो टाइनी टर्टल्स है, छोटे छोटे टर्टल्स बाहर निकलेंगे, तो उस समय यह टर्टल फेस्टिवल मनाया जाएगा, कासो महोत्सव मनाया जाएगा। और इसे देखने के लिए, इस महोत्सव को देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, सभी तरफ से, पूरे देश से, विदेश से वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उस हैचलिंग को देखने के लिए। और वो हैचलिंग होने के बाद में जब छोटे छोटे बच्चे टर्टल्स के जो बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं, तो उसी समय निकलने के बाद में तुरंत वह सीधा सी के अंदर में चले जाते हैं, उसी की तरफ वह दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे हो इस पिक्चर में, और पेज नंबर 32 में भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पर जहाँ से आपको रेत के नीचे से एक छोटा टर्टल्स बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स रेत के अंदर अंदर में टर्टल्स के एग्स है, वो एग्स अंदर में ही फूट जाते हैं और वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो है टर्टल्स के बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में वह सीधा सी के तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो यह जो सीन है, यह सीन देखने के लिए लोग आएंगे कब, टर्टल फेस्टिवल या फिर कासो महोत्सव के समय, और कासो महोत्सव या टर्टल फेस्टिवल उसी समय रखा जाएगा जिस समय यह हैचलिंग होगी। अ शॉर्ट फिल्म ऑफ टर्टल एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन वेयर एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल। और उन्होंने पहले ही इस टर्टल के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना ली थी, एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन, और कोकन की जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो तो देखने के लायक ही है, वो तो बहुत अच्छा एरिया है। वेयर एडिशनल फीचर्स ऑफ फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का और एक फीचर होगा, एक वैशिष्ट्य होगा कि वहाँ पर उस टर्टल्स के ऊपर जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई है वो भी लोगों को देखने मिलेगी, और साथ में वो कोकन घूमने के लिए घूम भी सकते हैं, कोकन की खूबसूरती भी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम वी वेयर क्वाइट फर्म ऑन वन विश इशू,
इस अब महोत्सव मनाना है हमें, कासो महोत्सव। अब टूरिस्ट आएंगे, अब टूरिस्ट आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, एक दो तो नहीं आएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो भीड़ में क्या हो सकता है कि जो टर्टल्स को कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उनके हैचलिंग को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एट द सेम टाइम जब यह महोत्सव मनाया जाएगा, लोग यहाँ पर जब देखने आएंगे, वी वेयर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू, द हैचलिंग शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी। कितने भी टूरिस्ट आ जाए वहाँ पर उस महोत्सव के समय, लेकिन जो हैचलिंग है, जो टर्टल्स की हैचलिंग है, उसे थोड़ा सा भी धक्का नहीं लगना चाहिए, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस बारे में हम बहुत ही सतर्क है। द टूरिस्ट वेयर एकोमोडेट, एकोमोडेशन वाले रहना, द टूरिस्ट वेयर एकोमोडेट इन द होम्स ऑफ विलेजर्स। अब लोग बाहर से आएंगे, अब ये छोटे छोटे गांव थे जहाँ पर होटल्स भी नहीं थी, ये जो 80 ऐसे गांव थे कि बहुत ही छोटे थे, समुद्र से लग के थे, और कोई वहाँ पर होटल से नहीं थे, लॉज नहीं थे। अब लोग आएंगे तो वहाँ तो उनको रात तो गुजारनी पड़ेगी, एक दो दिन उन्हें गुजारने पड़ेंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? द टूरिस्ट वेयर एकोमोडेट इन द होम्स ऑफ विलेजर, जो उस गांव के जो विलेजर्स है वो गांव वालों के ही घर में रहेंगे। जो टूरिस्ट बाहर से जो आएंगे, होटल न होने की वजह से वो क्या करेंगे, उसी गांव में जो लोगों के घर है उन्हीं के साथ वो रहेंगे। द रिस्पॉन्स ऑफ दिस नॉवेल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सेलेंट, और इसके लिए भी एक नया कंसेप्ट, एक नई परिसंकल्पना बना देगी। अब टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट रहेंगे कहाँ, तो उन्होंने एक नया संकल्पना बना दिया कि हम होम स्टे ऑफर करेंगे, होम स्टे अपने ही घर में हम टूरिस्ट को रोकेंगे। द टर्टल फ्रेंड क्लब वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईच विलेज, और जो भी गांव थे जहां पर टर्टल के नेस्ट पाए जाते, तो हर एक गांव में अ टर्टल फ्रेंड्स क्लब बना दिया गया। द मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे, और इस क्लब के जो भी मेंबर होते हैं, उन्होंने उन मेंबर्स ने होम स्टे ऑफर किया, यानी अपने ही घर में, जो भी एक टर्टल फ्रेंड्स क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने अपने ही घर में टूरिस्ट को रुकाने की व्यवस्था की। ऑल विलेजेस वुड ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे, और जब अब जो टूरिस्ट को अपने ही घर में रोकना है तो सारे गांव के लोग एक ही कीमत उन्होंने निश्चित की। ऐसा नहीं कि किसी घर में ज़्यादा टूरिस्ट से पैसे लिए जा रहे या किसी घर में कम लिए जा रहे, तो उन्होंने एक जैसा ही रेट रखा, किसी के यहाँ भी रुको आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। टर्टल प्रोटेक्शन फंड फंड सॉरी दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड दे गेव। अब दे मीन्स कौन? द मेंबर ऑफ टर्टल फ्रेंड्स क्लब, द मेंबर ऑफ टर्टल फ्रेंड्स क्लब, और जो लोग होम स्टे ऑफर करते थे, ऐसे लोग वो क्या करते कि उन्हें टूरिस्ट आते हैं उनके घर में रुकते, घर में रुकने के बाद में उन्हें पैसे देकर जाते, रुकने के जो चार्जेस है वो देकर जाते, तो उसमें से जितनी भी उन्हें कमाई होती उसका जो 10% है वह टर्टल प्रोटेक्शन फंड में दे देते, टर्टल प्रोटेक्शन फंड में दे देते। क्योंकि जो पैसे आ रहे थे, जो टूरिस्ट आ रहे थे, वो किसकी वजह से आ रहे थे? बस उस टर्टल की वजह से आ रहे थे। टर्टल यदि प्रोटेक्टेड रहेंगे, बचे रहेंगे, तो टूरिस्ट आते रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ठान लिया गांव वालों ने कि हम होम स्टे भी ऑफर करेंगे और उससे जितनी भी इनकम होगी उसका 10% हम टर्टल प्रोटेक्शन फंड में लगाएंगे। द फंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। ये जो टर्टल प्रोटेक्शन फंड में जो पैसे दिए जा रहे थे, वह फंड सिर्फ और सिर्फ जो कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स है, टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए ही यह यूज़ किया जाएगा, दूसरे अन्य कामों में नहीं लगाया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प, और इस काम में, यानी जो किसका टर्टल्स के जो प्रोटेक्शन का जो मैसेज पूरे संसार में फैलाना था, पूरे वर्ल्ड में फैलाना था, पूरे शहर में फैलाना था, तो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी बहुत मदद किया। द फेस्टिवल रिच
ऑल कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंड आर वेबसाइट। और ये जो टर्टल फेस्टिवल है, कासव महोत्सव, अब वहाँ पर मनाया जाता था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि उसकी जो फोटोज़ है ली होगी, किसी ने वीडियो बनाया होगा तो इंटरनेट पे डाल दिया। इंटरनेट के द्वारा फिर से वह मैसेज इधर उधर फैल गया। इन्होंने भी, जो टर्टल प्रोटेक्शन क्लब्स के मेंबर है, उन्होंने भी उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई और जो भी उस मैसेज को स्प्रेड किया इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। और इस तरह से वह पूरे देश में वह मैसेज फैल गया कि यहाँ पर टर्टल हैचलिंग्स का एक महोत्सव मनाया जाता है और वह देखने लायक मोमेंट होता है। पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, अब वह मैसेज सब तरफ पहुँचने के बाद में अब सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं आते थे उस विलेजेस के, तो अब पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आने लगे। बिगैन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेज, जो छोटे छोटे गांव थे, अब वहाँ पर देश विदेश के लोग आने लगे, कॉन्टैक्ट कर रहे थे उस गांव में। अब यहाँ देख भी रहे हो आप कि एक टाइनी टर्टल्स है, ये हैचलिंग होने के बाद का ही सीन है, जब जैसे ही नेस्ट के अंदर से वह बच्चे बाहर निकलते हैं एग्स के अंदर से, और वो सीधा सी के तरफ दौड़ने लगते हैं और वो सी में चले जाते हैं। और इन बच्चों को वहाँ पर किसी भी पर्सन को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, और यही जो दृश्य देखने के लिए लोग आते हैं। प्रोटेक्ट द टर्टल्स एंड एनरिच द सीज, अब कोकण के एरिया में जो 80 जो गांव थे वहाँ पर जो हैचलिंग्स दिखाई देती थी, तो यहाँ पर अब देश विदेश के लोग आने लगे। मोर एंड मोर विलेजर्स कम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस वर्क में, जो टर्टल प्रोटेक्शन के वर्क में अपना सहयोग देने के लिए सामने आने लगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ ही विलेजर्स आगे आए होंगे, बाद में अब लोगों को समझ में आया कि अब हमें तो इनकम भी हो रही है, लोग बाहर से आ रहे, हमारे ही घर में रुक रहे और हमें चार्जेस देकर जा रहे, पैसे देकर जा रहे, तो हमारी भी इनकम बढ़ रही है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होने लगे और अपने ही घर में होम स्टे वो ऑफर करने लगे। अब उनकी जो संख्या है वह 35 तक तो पहुँच गई। कैसे 35 लोग फैमिली हर गांव में, अब 80 विलेजेस थे तो वहाँ पर नियर अबाउट हर गांव में, अब ये जब लेसन लिखा होगा तो उस समय, अभी तो बहुत सारी संख्या बढ़ चुकी होगी, लेकिन जब यह लेसन लिखा गया होगा उस समय यह 35 तक इनकी संख्या चली गई थी होम स्टे की। एज मेनी एज 800 पीपल बिगैन टू विजिट वेलाज, अब वेलाज में ही, अकेले वेलाज में ही 35 होम स्टे ऑफर करने लगे, अपने घर में लोग रुकाने लगे, बाकी तो बहुत सारे और छोटे छोटे गांव है वहाँ। एज मेनी एज 800 पीपल बिगैन टू विजिट वेलाज इन द टर्टल सीजन, जब ये टर्टल का सीजन आता है, ये हैचलिंग का सीजन आता है, तो वहाँ पर 800 पीपल, 800 लोग वहाँ पर भेंट देकर उस नज़ारे को देखने आ जाते, लगभग 800 पीपल आ जाते हैं। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर विलेजर्स, और इसका अर्थ यह है कि 800 लोग है तो 800 लोग यानी बहुत बहुत ज़्यादा तादाद हो जाता है, और ये कोई साल भर चलने वाला महोत्सव नहीं है, कुछ दिनों का ही है, तो कुछ दिनों में ही वहाँ पर लोग आते हैं। और यह जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा विलेजर्स को बिजनेस वहाँ पर मिलेगा। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, अब उन गाँव वालों को समझ में आ गया था कि जो टूरिज्म है अब यह सोर्स ऑफ इनकम है, ये टूरिस्ट हमारे आते रहेंगे तो हमारी इनकम बढ़ते रहेगी। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी सोर्स ऑफ इनकम, टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी एंड इन ऑर्डर टू अर्न दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द टर्टल हैचलिंग, अब उन्हें टूरिज्म का मतलब समझ चुका था, अब उन्हें पता लग गया, शायद पता लग गया था कि टूरिस्ट आएंगे तो उससे हमारा ही भला होने वाला है, हम ही पैसे कमाएंगे,
टूरिस्ट अपने साथ में पैसे लाएंगे, और यदि उनका पैसा, उनके जेब का पैसा अपने जेब में लेना है, यानी उनके हमें पैसा कमाना है, तो हमें टर्टल्स को प्रोटेक्ट, टर्टल के नेस्ट को या टर्टल्स को हमें प्रोटेक्शन देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ किसके लिए आ रहे हैं, गाँव देखने के लिए नहीं आ रहे, वह टर्टल्स की हैचलिंग देखने आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा तादाद पर टर्टल का हैचलिंग होगा उतने टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थ्रू लाइवलीवुड। लाइवलीवुड मीन्स इनकम सोर्स। इन इट्स ट्रू सेंस, अब सही मायने में ऐसा हो रहा था कि एक तो इनकम भी हो रही थी और साथ में इस जो नेचर का है, नेचर का बचाव भी हो रहा था, संरक्षण हो रहा था, एक नेचुरल चीज का संरक्षण हो रहा था। वेलास बिकम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी। और जो वेलास था वह एक उदाहरण बन चुका था कि उस ग्रुप में जो काम चलाया था टर्टल्स को प्रोटेक्शन देने का, वह एक अभी पूरी तरह सक्सेस हो चुका था, जो प्रोजेक्ट था वह उनकी अब सक्सेस स्टोरी बन चुकी थी। सह्याद्री निसर्ग मित्र आर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो काम कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कुछ वॉलेंटियर्स वहाँ पर घूम रहे थे, तो वो वॉलेंटियर्स का एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम है सह्याद्री निसर्ग मित्र। आर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट इट इज ओनली द लोकल विलेजर्स हु कैन अल्टीमेटली ऑफर एक्सेलेंट प्रोटेक्शन टू द लोकल स्पेसीज। अब लोकल स्पेसीज, अब यहाँ पर हमने एक देखा है कि टर्टल्स है, अब समुद्र किनारा है तो समुद्र में और दूसरे भी पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पर टर्टल्स ही पाए जाएंगे, टर्टल्स तो बहुत ज़्यादा तादाद पर पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो स्पेसीज है, बहुत सारे जो एनिमल्स के जो प्रकार है, वह भी वहाँ पर, उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सह्याद्री निसर्ग मित्र जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका एक विश्वास था कि जो लोकल विलेजर्स है, लोकल विलेजर्स है, वही क्या कर सकते हैं कि ये वहाँ के जो छोटी छोटी जो प्रजातियाँ हैं, जो लोकल प्रजातियाँ हैं एनिमल्स की, पानी में पाने जाने वाली, इनको वही लोकल लोग ही बचा सकते, बस उन्हें समझाने की ज़रूरत है। इफ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट, यदि उन्हें फ्रीडम दिया जाए तो, जिस तरह वेलास में दिया गया था, लोगों को ही समझाया गया कि ये जो टर्टल्स है इन्हें आप प्रोटेक्शन देंगे तो यही आपके लिए सामने बेनिफिशियल होंगे, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकम सस्टेनेबल, और ये जो कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहेगा यदि लोकल लोगों को कुछ फ्रीडम दिया जाए तो। विद दिस बिलीफ वी एंट्रस्टेड द प्रोजेक्ट, इसी विश्वास के साथ हमने क्या किया कि ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने चलाया, सह्याद्री निसर्ग मित्र ने जो चलाया था, तो वह जो सह्याद्री निसर्ग मित्र के जो मेंबर्स थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को एंट्रस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द ग्राम पंचायत, द विलेजर्स एंड देयर टर्टल फ्रेंड्स क्लब। तो इस ग्रुप ने क्या किया कि उनका विश्वास था कि लोकल लोग ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वही ये जो लोकल स्पेसीज है उन्हें बचा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस विश्वास के साथ वह जो अपना प्रोजेक्ट है टर्टल को प्रोटेक्शन देने का, उन्होंने अपना ही जो प्रोटेक्शन का काम था वह उन्होंने वहाँ के कोकन के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको सौंप दिया, ग्राम पंचायत को भी सौंप दिया, द विलेजर्स है वहाँ के लोगों को सौंप दिया, और जो वहाँ पर एक टर्टल फ्रेंड्स क्लब बनाए थे हर गांव में उनको सौंप दिया, इन लोगों को बोल दिया कि अब ये आपकी जवाबदारी है, आप अब इस प्रोजेक्ट को संभालो। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली, और ये सब लोग मिलकर उस टर्टल्स को जो प्रोटेक्शन देने का जो काम है वो बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश है, हम मिस सह्याद्री निसर्ग मित्र के मेंबर्स बहुत खुश है कि यह जो प्रोजेक्ट है वह बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और सही में आज भी यह चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये लेसन ही लिखा है, यदि आप कहीं
कासव महोत्सव या टर्टल फेस्टिवल करके आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपके बुक्स में कुछ फोटोज दी गई तो वैसा आपको पिक बाकायदा उस पर मूवी मिल जाएगी। एंड ऑफर हेल्प ओनली वेन नेसेसरी। और यह जो ग्रुप है सह्याद्री निसर्ग मित्र, यह अब जब उन्हें ज़रूरत होती है विलेजर्स को तभी वो उनके मदद करते हैं, नहीं तो यही आज ये जो लोग हैं यह मिलकर अच्छे से वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, लेसन नंबर 2.2, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।